अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खादरी NR की 24 न्यूज़ से। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मस्जिद को शहीद होने से रोका गया। जी हां नाज़रीन, 8 रमज़ान के दिन देर रात जनाब ओस्मान मस्जिद के पास पहुंचे, जो दुर्गम चेरवो तालाब के करीब मौजूद है। 400 साल कदीम मस्जिद कुतुब शाही ज़माने की मस्जिद है, जो साल 2017 में आबाद हुई थी। इस मस्जिद की तरफ कोई तवज्जो नहीं दिए, ना वक्फ बोर्ड ना ही कोई सियासी लीडर्स। इसके अलावा इस मस्जिद के आसपास IT पार्क, इनऑर्बिट मॉल भी मौजूद है। मौजूदा लोग इस मस्जिद को आबाद रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आइए सुनते मजीद तफसलात जनाब ओस्मान की जुबानी। हर अहम खबर से बाखबर रहने हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 8 रमज़ान है और हम लोग दुर्गम चरू तालाब के बिल्कुल पास कुतुब शाही मस्जिद है, जो 400 साल कदीम मस्जिद है, जो दो मंजिला मस्जिद है। ये मस्जिद को अल्लाह सुबहाना ताला ने हमसे काम लिया और 2017 में इसको आबाद करें। इस मस्जिद को फयाज़ भाई, आमिर भाई, बशारत भाई, असलम भाई, अलीम भाई तमाम लोग यहाँ के इसको देखभाल कर रहे हैं। यहाँ पे रास्ता आने का बिल्कुल बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल केबल ब्रिज के पास है, आप देख सकते हैं इधर, ये केबल ब्रिज है। ये झील है पूरी, जिसको दुर्ग का तालाब भी बोलते हैं। यहाँ पर आने का काफ़ी मसला है। यहाँ पे पार्क बन गया, KTR साहब यहाँ पे पार्क बना दिए। इस मस्जिद को बचाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा। यहाँ पे हम लोग टेम्पररी टीम का शेड डला के अल्लाह के फजलो करम से यहाँ पे हर टाइम नमाज चल रही है। मैं आपको बताता हूँ, ये मस्जिद में पानी के इंतजाम के लिए बबल टॉप से 3 किलोमीटर दूर जंगल में से आना पड़ता, जहाँ पर सांप वगैरह हर चीज़ है। आज ही यहाँ पर एक अजदहा मोर को निगल लिया और अजदहा भी मर गया, मोर भी मर गया। ये बिल्कुल रास्ते से ऐसा ना पड़ता, इस मस्जिद का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिए। यहाँ पे ना कोई सियासतदान काम में आया, ना वक्फ बोर्ड से कोई मदद मिली, ना कोई डिपार्टमेंट से मदद मिली। काफ़ी बार वक्फ बोर्ड को हम लोग अप्रोच हुए, हर चीज़ हुई। यहाँ पे जुम्मे के दिन तकरीबन 600 से 700 लोग नमाज पढ़ते हैं, जो 3 किलोमीटर पैदल आते हैं। ये देखते हैं आप, IT पार्क है यहाँ पर, ये इनऑर्बिट मॉल है, यहाँ पे पूरे IT कंपनीज है, यहाँ के लोग आते हैं यहाँ पे। अल्लाह सुबहानो ताला का बड़ा करम है, इस मस्जिद को शहीद कर दे रहे थे, इस मस्जिद से रास्ता निकाल रहे थे। यहाँ के लोगों की मेहनत से अल्लाह ने हमारे से काम लिया, हम इसको रोके। और आज यहाँ पे खुशी का मौका ये है कि 5-6 साल से हम लोग यहाँ पर बबल टॉप में पानी ला रहे थे, अब अल्लाह के करम से यहाँ पर हम बोरिंग डाल रहे हैं। आज रात के 2 बज गए, तकरीबन 200 फीट तक अभी बोरिंग का ड्रिल हुआ, अल्लाह चाहा तो पानी निकल जाएगा। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मेरे भाई, ये मस्जिद को कोई ज़रिया है आमदनी नहीं है। यहाँ के लोगों को मैं 100 सलाम करता हूँ। 3 किलोमीटर कभी आइए आप लोग, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दुर्गम चेरू मस्जिद बोल के YouTube पे भी मारी है आप। यहाँ पे हम करीब 2000 आदमी की भी नमाज़ पढ़ाएँ। तो बहरहाल इसको बचाने के लिए आपका और हमारा जज्बा काम में आया और ये बची। यहाँ पे पार्क बन रहा था, इसको कई बार शहीद करने के मंसूबे बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह नाकामयाब हुए। और मैं आवाम से भी यही गुजारिश करूँगा और जो लोग सलाम करता हूँ, 3 किलोमीटर कभी आइए आप लोग, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दुर्गम चेरू मस्जिद बोल के YouTube पे भी मारी है आप। यहाँ पे हम करीब 2000 आदमी की भी नमाज़ पढ़ाएँ। तो बहरहाल इसको बचाने के लिए आपका और हमारा जज्बा काम में आया और ये बची। यहाँ पे पार्क बन रहा था, इसको कई बार शहीद करने के मंसूबे बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह नाकामयाब हुए। और मैं आवाम से भी यही गुजारिश करूँगा और जो लोग देख रहे हैं उनको यही बोलूँगा कि ऐसे मस्जिदों की हिफाजत करिए। रमज़ान का मुबारक महीना है, कोई भी गैर आबाद मस्जिद में 4 दोस्त 5 दोस्त जाइए, रोज़ा खोलिए, उस मस्जिद का रिकॉर्ड अपने पास रखिए, उसके फ़ोटोज़ लीजिए, उसके पूरे हाथे के बारे में एक कवर अप करिए। आज अल्लाह के करम से मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर बोरिंग डल रही है, बोरिंग का भी इंशाल्लाह काम हो जाएगा। जब यहाँ पे बोरिंग डल जाएंगी तो हमको नमाज़ के लिए, वज़ू के लिए बहुत सहूलत हो जाएंगी और यहाँ के लोगों की मुश्किलात भी थोड़ी कम होंगी। तो मैं तमाम लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि भाई मस्जिदों की हिफाजत करिए। और इस मस्जिद को अगर कोई डोनेट कुछ करना चाह रहा है तो मैं ये मस्जिद का नंबर देता हूँ आपको, Google Pay नंबर है मस्जिद का, कुतुब शाही मस्जिद, या मस्जिद का ही अकाउंट है, एक बार आप इसको देख लीजिए, 8977253834, ये मस्जिद का नंबर है, ये मस्जिद का डायरेक्ट अकाउंट है। आप ये मस्जिद को डोनेट करिए, चाहे आप कोई भी चीज़ से इसको डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट का भी प्रॉब्लम है,
जनरेटर्स भी दे सकते हैं, यहाँ पे लाइट भी जनरेटर से चलती है और बैटरी से चलती है, तो तमाम चीज़ों के प्रॉब्लम्स हैं। एक बार ये मस्जिद को ज़रूर विज़िट करिए और इस नंबर पे भी आप रब्ता करिए और यहाँ पे आइए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। देखिए सब, मस्जिद के पास बोरिंग पड़ रही है, देखिए बोरिंग का नज़ारा। सुन भाई, ये देखिए कितने लोग हैं इस पर किलो खत यहाँ पर। फयाज भाई को लेकर ठहरता हूँ जी, जरा आप ये प्ले करना बटन, ठीक है ना, प्ले करके जरा थोड़ा आगे लेके लोगों को भी कवर करना। आगे ले नहीं, अभी चालू ना करा वीडियो, चालू है जी वीडियो, चाहे अच्छा, ठीक है, सोच के बोलता हूँ। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है।